लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। हम देखते ना सारे तो वो उसे हम कुछ देते हैं पकड़ के औरतों का कुछ देते हैं। 73 साल के बूढ़ी को ईंट से कुचल के मार देता है। गलती करा है, गलती काम किया है। हाँ, गलती काम करा है, दुष्कर्म हुआ है। पूरा कपड़ा खोल के इधर मार के, इधर कर और के मार और के उनका दरवाजा पर सोला दिया। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं द लाइव न्यूज। मैं अभी फुलवारी शरीफ में हूँ और फुलवारी शरीफ में एक जगह का नाम, क्या नाम है जगह का? हिंदुनी एक जगह है। आपको सुन के हैरान होंगे कि आज से मतलब कल मंगलवार को रात में घटना घटती है कि 73 साल के बूढ़ी को उसे घर से, जस्ट घर है यहाँ पे मुश्किल से 50 मीटर की दूरी पर, वहाँ से ला करके और इसी आम के पेड़ के नीचे, देखिए यह आम के पेड़ के नीचे 73 साल के बूढ़ी को ईंट से कुचल के मार देता है। ईंट से आपको ईंट भी दिखाते हैं, ये ईंट है। इसी ईंट से उस बूढ़ी को कुचला जाता है और वहाँ देखिए ये ब्लड का स्पॉट है जो ब्लैक हो चुका है, वो ब्लड का स्पॉट है। और 73 साल के बूढ़ी के साथ किस तरह से क्यों मारा जाता है, क्या दुश्मनी है, ये बड़ा मुश्किल है बताना। चलिए उस महिला की बहन है, उन बहन से बात करने की कोशिश करते हैं। आपको क्या लगता है क्यों मारा होगा आपकी बहन को? हम नहीं सर देखे, नहीं देखे हैं, हम नहीं देखे, हम देखते ना सर तो वो उसे हम कुछ देते हैं पकड़ के औरतों का कुछ देते हैं। अच्छा, उस आपके बहन के साथ मतलब कुछ आपत्ति बात भी हुई होगी क्या? कुछ नहीं, पति नहीं रहता है यहाँ। नहीं, पति की बात नहीं करता है, उनके साथ कुछ और भी अनहोनी? हाँ, गलती करा है, गलती काम किया है। हाँ, गलती काम करा है, पक्का गलती काम करा है सर। लेकिन 73 साल के औरत के साथ कौन करेगा भाई? बताइए, बूढ़ी पुरानिया को उसने गलती करके कर ला, उसने मार ला करके। हम 6 बजे उठ के आए हैं तो देखे के सूता हुआ है, तो हम उठे के आए हैं तो कहे कि ये कमदी उठा रहे हैं कि चाची उठे ना चाची, तो कहल कि ना कि बूढ़िया मरल का है, तो हम कहली ना कि है हमारे बहन मरल है वो, तो कि देख ना तो उघार के मुँह देख, पहले गोर देख ली तो देखे कि लंगे सबसे दे चिराइल हेबे, तब फिर मुँह उघार ली तो देखा कि सबसे दे चुरल है मुँह, सब देख पार ना लगी थे, बाप रे बाप, अरे बाप हमारा देख ला पार लगी थे, दम लंग एकदम लंगे बेलंग करके हमार बहन के मारल। तो अभी सब हमारे बेटा पुतो अलख, हम ना तो कोई अलख से देखे, पहले हम ही अली देखे, हम ही देख ली। हमारा यही का नाम है कि हमारा तो मरलक है, जरा सजा दीजिए सामने करके, सजा दीजिए, नहीं सजा दीजिएगा सामने करिए, हम सब तुल लेकर सामने हम चुरेंगे उसे ही दम सामने, पकड़ के लाइए हमारा सामने, तुल लोग से नहीं चुराएगा तो हम चुरेंगे दम बदली। क्या उम्र रहा होगा उनका? आए उम्र क्या रहा होगा? कराओ जी, कराओ जी। उम्र अगर 70 है। 70 साल। आप किसी पे शक लग रहा है, कोई है, कोई आप? कौन किया होगा इसे? कोई दारूबाजी आदमी? दारू पिए वाला कलक, स्मार्ट पिए वाला कलक है, आप कोई न कलक है? यहाँ आदमी सब दारू पीता है? सब टोटल दारू पिए वाला यहाँ है, बड़ी दूर दूर का दारू पिए, फुलवाड़ी का दम गाड़ी लगा क्या है दारू पिए, सब जात पी के जा है ना। क्या कहेंगे आप? हम तो आ जाए हैं घर से, आ जाए हैं, तो ये लोग बोल रहे हैं मेरे भाभी की उनके साथ दुष्कर्म हुआ है। कर्म हुआ है? दुष्कर्म हुआ है, पूरा कपड़ा खोल के इधर मार के, इधर कर और के मार और के उनका दरवाजा पर सोला दिया, बदमाश लोग। लेकिन दुष्कर्म 100% हुआ है? हाँ, एकदम हुआ है। ये लोग भाभी तो मेरी बोल रही है कि हुआ है, ये सब बोली भाभी हुए। हाँ, खराब जी तो है, उनकी बड़ी पुतो है चार गो लड़की है, तो हम अपन रहते महिला लोग हुआ रहते हैं आलमपुर में, वो है हिंदुनी में है। अगर हम अगर चारों लड़कन के लेकर के हम यहाँ रह जाते हैं तो हमारा का दुर्घटना करता है? तो हम यहाँ जानवर के लिए वो कहते थे कि हम ही रहेंगे यहाँ पर, तुम लोग नहीं आना, रात को हम ही रहेंगे, ठीक ना? वो रहे, उनका साथ में ये हाल हुआ, दुर्घटना हुआ उनका साथ में। कौन किया होगा इसे? अब कौन किया, हम देखते तो उनका चीर देते, अगर हम देखते ही दासा करते हल्ला कन में कान में शर्मन जाता तो उसका हम चीर देते हैं, हम चीर देते हैं। अभी भी हिम्मत हम रख रहे हैं कि अगर जानकारी हो जाएगा तो हमारा बर्दाश्त नहीं हो रहा है, हम कभी चमड़ में नहीं निकले हैं, हमारे सास
दूगो जानवर के घास भूसा करते हैं। हम शौक से जाते हैं घूमने के लिए चमड़ में, हम घास नहीं लाते थे। अच्छा, उनके साथ दुष्कर्म भी हुआ होगा क्या? आए? कोई दुष्कर्म भी हुआ है उनके साथ? गलत है, बहुत हुआ है। हुआ तो ना करबो किया मरबो किया जान से। आइए हुआ खबर गया कि सास तो डेट कर गेलो, खाना पीना करके आया, डेट कैसे कर गया। आइए बेलाग हम उठा के ओकरा दम पलटे थे, हम सीधा कर दें कम्बल सही तो हम सीधा कर दें। तब तो देखें कि खून से तो हुआ रंगाल है पूरा एकदम इस समय। ब्लड उसका उनका मतलब जो अंदरूनी पार्ट वहाँ से ब्लड आया हुआ था? हाँ, तो खूब इस सब में ब्लड दे रहा, नाक में है, आँख में है, पेशाब के रास्ते से ब्लड आया था। के रास्ता से ब्लड पाता लग रहा था, साया तहबोर था, सारी तहबोर था खून सती। सब वो कपड़ा गमछे को माथा में हमारे दुपट्टा लपेटले रहते थे कि लाओ गर्मी है तो हमारा दुपट्टा हम रखेंगे, पियर के दुपट्टा है हमारे दुपट्टा है। और गेहूँ काटते थे ना तो दुपट्टा लेकर के गर्दा उर्दा के लिए सब मुँह तोप के गर्दन में, वो का कहें कि गर्दन में लपेटल था मैंने उड़ावल था खून से, लगता कि पियर का हो गया लाल। वो सब जाँच में ले गए हैं, हाँ सब पियर का अथी दुपट्टा। अभी तो पुलिस किसी को गिरफ्तार नहीं किया है? नहीं, अभी तो आप लोग किसी का नाम दिए हैं क्या? नहीं, किसी का नाम एफआईआर किए हैं? वो सब पुलिस ही है, पुलिस यहाँ से करके गया है। कि 73 साल से किसी आदमी को क्या दुश्मनी रहेगा, ये मामला क्या आपको क्या लगता है कौन मारा है इसको? हम कौन मारा ही तो पता नहीं है हमारा कि कौन मारा है। हम उठे तो देखे कि मम्मी मेरा पड़े हुए है वहाँ पर, देखे कि पूरा सिर में जो है कि मीठा उठा, कपड़ा वपड़ा कुछ नहीं था? ना कपड़ा नहीं था, खाली ब्लाउज पहने हुए थी, सिर पूरा चूरा हुआ था। पोस्टमास्टर हुआ उत्ती घड़ी हम देखे हैं, ले जा रहे थे, देखे कि यहाँ पर जो है कि लगे चक्कू मार रहा है कि का छेद है, पंजरी में छेद है, सीना ब्लाउज कपड़ा फाड़ले था वहाँ उतारे से ब्लाउज से, देखे कि पूरा सीना एकदम काला हो ले, ईंटा से सीना उना सब चुरल था। तो उनके साथ कुछ आपत्तिजनक भी काम किया गया क्या? अब देखिए ऐसा तो हम नहीं कर सकते, हम देखे नहीं है, मगर घर वाला हमारा जो है कि आप चाची उची थे वो लोग बोलिन है कि ऐसा भी दुर्घटना हुआ है, गलत काम उसका साथ में किया है जो देखी हमारा घर में। हम तो मर्द बच्चा हम तो हाँ हम महिला सब देखी होगी, हाँ हाँ वैसा अंदाजा लगा के बोलिन हमारा, मगर हम तो देखे कि माथा पूरा छुरा हुआ है यही हम देखे हैं। ये कब की घटना आप लोग को पता नहीं चला क्या, जब उसको मारते चिल्लाई उल्लाई होगी? ना ये सब कुछ पता नहीं चला हमारा, सवेर में जो है कि हमारा पता चला, सवेर में पता चला आए हैं पाए तो देखे कि यहाँ तो जो है कि काम खत्म है, देखे मुंह हार गए तो देखते हैं कि जो है कि सिर पर। आपका किसी दुश्मनी सुनी था जमीन का कोई मतलब है क्या? जी ना ना वैसा कोई कुछ बात नहीं है, समझ लो कोई कुछ बात नहीं है सर जी कि हम कोई से दुश्मनी उश्मनी है, चाहे माए हमारा भी ऐसा था कि कोई से कोई मतलब भी नहीं रखा था, अपना आपके मतलब रखा है। हाँ ये घर हमारा था आज से लगता है कि 6 महीना पहले जरा सा खर्च कुछ हुआ था भैंस के चलते, तो उत्ती घड़ी से माए हमारा यहाँ ना आवे दे हली कि नहीं तुम मत जाओ, कहे कि हम एकलौता है लेकिन हमारे पास भाई है न बहन है, हम अकेले हैं। तो इस डर से माए हमारा जो है कि यहाँ पर आवे सोवे नहीं देता था, वो घड़ी से अपने माए हमारा अकेले रात में हियाँ पर रह लगा, कितनों बोले कि घर पर आके सूत ताला लगा के यहाँ तक कि ना हुआ हमारा कोई कुछ ना करता, हमारा कौन कुछ करते आके निफिकिर जो है कि ने खेत में आके यहाँ सूत रह लिया। कोई मेडिकल रिपोर्ट आया है? ना अभी कोई ऐसा बात नहीं हुआ। देखिए ये आम का पेड़ है, ये आम का पेड़ है और सामने देखिए घर है, जो घर देखिएगा ये घर, वो घर मुश्किल से हम अगर कदम से चलेंगे पैर के धाप से चलेंगे तो मुझसे 50 धाप होगा, यहाँ से मात्र 50 मीटर की दूरी पर होगा क्या? 50 मीटर की दूरी पर घर है और वहाँ से डायरेक्ट आ जाते हैं घर पे। ये घर आपको दिखाते हैं कि यही घर है जो मुश्किल से 50 मीटर की दूरी पे घर होगा और इसी घर के बाहर जो है नीचे वो बूढ़ी थी, उनको किसी बात का डर नहीं था और यहीं पर वो सोती थी, यहीं पर सोती थी और मंगलवार को रात में यहाँ से उठा के ले जाता है अपराधी जो होता है, यहाँ से उठा के ले जाता है। यही देखिए तो मुझे कितना था, मुझे 1 मिनट भी नहीं लगा वहाँ से यहाँ आने में, यही घर है और ये मंगलवार को यहाँ पे रात को बूढ़ी को ले जाती है, यह देखिए स्पॉट, और यहाँ से उठा के ले जा करके उसी आम के पेड़ के नीचे उसे उसके साथ, अभी तक ये रिपोर्ट नहीं है हम स्पष्ट नहीं कर सकते लेकिन जैसा कि घर वालों का कहना है कि उनके साथ
बलात्कार होने की भी संभावना है, जिस तरह से उनकी पिटाई किया गया है, जिस तरह से पीटा गया है, घर वाले कह रहे हैं कि बलात्कार भी हुआ होगा, और यहाँ वहाँ मार करके फिर यहाँ पर रख देते हैं, और यहाँ रख करके फिर सुबह में जब देखते हैं, घर वाले देखते हैं कि कोई है नहीं। एक बार पड़ोसी से हम बात करने की कोशिश करते हैं कि पड़ोसी क्या बोलते हैं। ये आप मतलब पड़ोसी हैं या रिलेटिव हैं आप लोग, पटदार उदार हैं आप इनके जो बूढ़ी मरी? ना हम लोग कोई जात, हम डोम हैं। आप डोम हैं? हाँ। ये पासवान है? ये पासवान है बेटा, हम एक घर के डोम हैं। एक घर के डोम, एक के गो हम है ये बेटा। इस घर में एक घर डोम? हाँ। तो आपकी बातचीत होती थी? हाँ, बात बढ़िया से सब दिन। तो कैसी बूढ़ी थी वो? दम झुलझुल बूढ़ी थी। हाँ। तो आपको क्या लगता है उनके साथ क्या हुआ होगा? हम बेटा कहाँ जानेंगे बेटा, देखे ना किसू के, ना देखे ना जाने, लहा देखे तो बता रहे लंगे किया हुआ था। तो मन में क्या लगता है पाप, किसको जरूर जरूर पाप किया हो, कोई पाप हुआ है, पाप हुआ कि नहीं तो देखे नहीं, लेकिन होने की संभावना दिल में मैंने सोच रहे किसको जरे कुछ हुआ है, तब ना ऐसे करके मारा। बेद देखेगा तो हल्ला करेगा कि देखे चीने हैं तो ना मार दिस है कि ना बाबू। हम लोग मेरे बोला बोली होता था ब्याह शादी में भी आती थी मेरे घर, हमों का ब्याह शादी में जाते थे तो झगड़ा कैसा, मुआ ठेठी के बोली के कोई झगड़ा है, मारा मारी हो भाई, गोली बम चल गल है ककरो झगड़ा आस पास में रहता था, मुआ ठेठी से होते रहता है। तो ये पड़ोसी का कहना है, ये 73 साल की बूढ़ी के साथ इस तरह की घटना होना, या तो बहुत जो जो दारू पी के रात में निकलते हैं, कहा जाता है कि इस मोहल्ले में लोग दारू भी पीते हैं, लोग बाहर से लोग आकर के यहाँ पर बैठकी होता है दारू पीते हैं, तो हो सकता है नशा में आकर के 73 साल के बूढ़ी के साथ बलात्कार होने की संभावना और जान से मार देने का, संभवतः जान से मार दिया गया। ये राजधानी पटना में मात्र जहाँ पे नीतीश कुमार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, यहाँ पर लोग कहते हैं कि छेड़खानी के डर से ही बच्ची से पढ़ने के लिए भी नहीं जाती है। तो शराबबंदी कहाँ तक सफल है बिहार में, बार बार ये कहा जाता है कि बिहार में शराबबंदी पूर्णतः बंद है, लेकिन शराबबंदी होने के बावजूद भी शराब पी करके महिलाओं के 73 साल की महिला को मार देना, ये बहुत ही कानून के लिए एक कानून के ऊपर एक सवाल उठता है, नीतीश सरकार के ऊपर भी एक सवाल उठता है। मैं शंभु कुमार, कैमरा राजेश के साथ, द लाइव न्यूज, फुलवारी शरीफ, पटना। लाइव न्यूज़, खबर तो पक्की है।